आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बुधवार को भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी डॉक्टर आनंद कुमार ने कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र स्थित बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सीमा पर स्थित विभिन्न चेक पोस्टों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को देने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा रही है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं एसएसपी ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से सीमा क्षेत्रों में पुलिस बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। डीएम और एसएसपी ने चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग मतदान में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। भागलपुर समीक्षा भवन में जिला स्तरीय विकास कार्य और राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजस्व संबंधित मामलों पर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों से सवाल जवाब तलब किया, साथ ही अन्य विभागों से जुड़ी विकास से संबंधित कार्यों को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं बैठक में डीएम नवल किशोर चौधरी ने एक सप्ताह के अंदर तमाम लंबित कार्यों को पूरा करने एवं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले चुनाव से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश पदाधिकारियों और कर्मियों को दिया। इसके अलावा विकास कार्य और राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कई बिंदुओं पर भी चर्चा की। बैठक को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार को उचित रेवेन्यू मिले, इसके लिए विकास से संबंधित कार्यों के साथ कई अन्य बिंदुओं पर तेजी से कार्य करना होगा। कार्य कागजातों के अलावा धरातल पर भी दिखे, इसके लिए भी सभी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को काम के प्रति समर्पित होना अनिवार्य है। मौके पर डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीओ धनंजय कुमार, नगर प्रबंधक समेत जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। अभी विकास समन्वय समिति की बैठक थी आज, इसमें विकास है और खास करके जो रेवेन्यू है और दोनों डिपार्टमेंट या विभिन्न विभागों के बीच में जो समन्वय का अभाव है और उस समन्वय के उसको हम लोग कैसे बेहतर बनाएं ताकि सरकार के विकास कार्य बेहतर तरीके से हो सके, इसी में विभिन्न अधिकारियों के साथ अभी बैठक की गई है और हमने निर्देश दिया है कि विकास को और हम तीव्र गति से कैसे कर सकते हैं। तो मुझे भरोसा है काफ़ी जल्द इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। भागलपुर समरणालय परिसर में बुधवार को जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से निकाले गए जागरूकता रथ को डीएम नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे परवरिश, स्पॉन्सरशिप, कन्या विवाह, कानूनी रूप में दत्तक ग्रहण हेतु प्रावधान, चाइल्ड हेल्प डेस्क, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए सरकारी प्रावधान आदि का आम लोगों के बीच पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ निकाला गया। यह जागरूकता रथ 16 प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करेगा। रथ में दत्तक ग्रहण एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित ऑडियो क्लिप के साथ हैंडबिल भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा लाभुक योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी ले सकेंगे। बता दें कि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, कुष्ठ या एचआईवी से पीड़ित बच्चों तथा कुष्ठ या एचआईवी से पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए परवरिश योजना संचालित है। इसके तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1,000 प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। साथ ही स्पॉन्सरशिप योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों तथा शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चों को पालने में असमर्थ माता पिता के बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह 18 वर्ष की उम्र तक भुगतान का प्रावधान है। मौके पर उप निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, संयुक्त निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई तथा चाइल्ड हेल्प डेस्क के अन्य कर्मी भी मौजूद थे। जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के द्वारा जो समाज कल्याण विभाग उनके द्वारा आज अपनी योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए रथ का रवाना किया गया है। इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जो आम लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से लाभ पा रहे हैं। जैसे परवरिश योजना या एक सहायता योजना और फिर है कन्या विवाह योजना, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रथ का रवाना किया गया।
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर देश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर बुधवार को भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में डालसा सचिव उमेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार 9 मार्च को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में समारोह पूर्वक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिमिनल कंपाउंड, सर्टिफिकेट केस, पारिवारिक एवं विवाह संबंधित विवाद, बैंक, बीमा, BSNL, पोस्ट ऑफिस, बिजली, श्रम विभाग, मोटर वाहन, राजस्व समेत कई तरह के सुलहनीय मामलों की सुनवाई की जाएगी। उमेश प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024 के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को किया जा रहा है, जिसको लेकर सुनवाई के लिए भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में 18 बेंच, नवगछिया कोर्ट परिसर में 5 बेंच और कहलगांव कोर्ट में 1 बेंच समेत जिले में कुल 24 बेंचों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुलहनीय मामलों की सुनवाई के बाद मामलों का निष्पादन आपसी सहमति से होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के बाद निष्पादित हुए मामलों को लेकर दोबारा किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जाती है। सचिव ने कहा कि नालसा के द्वारा साल 2024 में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसमें पहला 9 मार्च को आयोजित होगा, जबकि इसके अलावा 12 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों से भी लोक अदालत को लेकर काफी सहयोग मिल रहा है, जबकि 9,375 केस को आइडेंटिफाई किया गया है और 25,000 पक्षकारों को नोटिस भी किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लंबित सुलहनीय मामलों का निष्पादन कराया जा सके और लोग केस मुकदमों के विवाद से छुटकारा पा सके। 9 मार्च 2024 को देश का प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो है भागलपुर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सुपरविजन में 24 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें जो है 18 बेंचे जो है लोक भागलपुर सिविल कोर्ट में है, 5 नवगछिया में तथा 1 जो है कि अनुमंडल न्यायालय कहलगांव में गठित किया गया है। जो है ये पूरा का पूरा आयोजन जो है नालसा के द्वारा किया जाता है और नालसा के द्वारा पहले ही कैलेंडर में इशू कर दिया गया है कि देश के विभिन्न भागों में जो है 4 लोक अदालत का गठन आयोजन किया जाएगा। पहला 9 मार्च को है, दूसरा जो है कि 11 सितंबर को है, तीसरा जो है कि 11 मई को है, तीसरा जो है 14 सितंबर को और चौथा जो है 14 दिसंबर को आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में जो है क्रिमिनल कंपाउंड डबल केसेस के साथ साथ जो है बैंक से रिलेटेड केसेस, रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस, बिजली चोरी से रिलेटेड केसेस जो है, मैट्रिमोनियल केसेस जो है, कुछ मनी शूट से संबंधित केसेस और सर्टिफिकेट केसेस, लेबर केसेस जो है को टेकअप किया जाएगा। जो है इस संदर्भ में जो है कि व्यापक स्तर पर तैयारियाँ किया जा चुका है। जो है अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के 2 बिहार गर्ल्स बटालियन में बुधवार को डेंटिस्ट डे के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश की ओर से दंत चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया।
टूगल्स बटालियन के कर्नल दिनेश कुमार पाठक एवं कमान अधिकारी सूबेदार एस के बांगल की देखरेख में आयोजित शिविर में एनसीसी कैडेटों के दांतों की जांच कर उपचार के लिए उचित परामर्श दिया गया। दंत चिकित्सा कैंप में भागलपुर के तमाम स्कूलों एवं कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लेकर अपनी डेंटल चेकअप कराई। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि लोगों को दांत की चिकित्सा के साथ ऑरल कैंसर समेत कई तरह की बीमारियों के प्रति जागरूक करना एवं मुख रोग की समस्या से बचाव ही आईडीए का लक्ष्य है, जिसके लिए ऐसे शिविरों का लगातार आयोजन किया जाता है। मौके पर आईडीए के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, सचिव डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह, डॉक्टर शुभम दत्ता, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर गीतांजलि सिन्हा और डॉक्टर स्वप्निल चंदा समेत काफी संख्या में डेंटल सर्जन एवं चिकित्सक मौजूद रहे। आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन के बैनर के तहत एक डेंटल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया एनसीसी के बच्चों के लिए, और इसमें लोगों को डेंटल हाइजीन के बारे में बताया गया, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, और आपको फीमेलों में जो महिलाओं में जो उम्र के साथ तरह तरह की बीमारियां होती है उनसे बचने के लिए कैसे बचाएं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। साथ साथ में लोगों को बताया गया कि जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके शरीर में जो चेंजेस होती है उनसे दांतों में क्या क्या दिक्कतें आती है उसके एक विस्तार से लोगों को बताया गया। और इसके लिए मैं सबसे पहले एनसीसी के तमाम ऑफिसर का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने यहाँ डेंटल अवेयरनेस कैंप करने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन। भागलपुर सनोला थाना क्षेत्र के पोठिया गांव निवासी फूलेश्वर चौरसिया की 65 वर्षीय पत्नी मनिका देवी की मौत सांड के द्वारा हमला करने से हो गई। घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि रिश्तेदार के श्राद्ध में शामिल होने के बाद मनिका देवी अन्य महिलाओं के साथ गेरुआ नदी में स्नान करने गई थी, जहाँ सांड ने अचानक पीछे से हमला कर दिया और मनिका देवी नदी के किनारे बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद पास ही स्नान कर रही अन्य महिलाओं ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया और ग्रामीणों की मदद से जख्मी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनोला में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर सनोला अंचलाधिकारी ने बताया कि सांड के द्वारा किसी भी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो इसमें सरकारी मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक लेके आया था भाई साहब, इसको अटक करके मारा। कब? आज। कितने बजे? 1:30 बजे। नदी नहाने के लिए गया था। रात का ही करने गई थी ना? हाँ, नहाने के लिए गया था। कौन सा नदी? गिरवा नदी। गिरवा नदी कहाँ का है? पोठिया। पोठिया का क्या नाम था इसका? मेनका देवी। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी उत्तरी पंचायत में सरपंच संघ के अध्यक्ष बिहारी यादव की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित ग्राम कचहरी सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित की गई। सभी मामलों पर बैठक में उपस्थित सरपंचों ने सर्वसम्मति से हस्ताक्षर किया। मौके पर अशोक पासवान, सुनील कुमार यादव सैनो पंचायत, सूरज कुमार मंडल बैजानी सरपंच समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।